हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं डॉक्टर अंकित शर्मा अपने चैनल डॉक्टर अंकित होम्योपैथिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में, यानी कि गठिया के बारे में। शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा ही आपके लिए होम्योपैथिक से संबंधित जानकारी लाता रहता हूं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अर्थराइटिस यानी कि गठिया, जिसे हम सरल भाषा में जोड़ों की सूजन भी कहते हैं। जब शरीर के किसी भी हिस्से में, हड्डियों के छोटे छोटे जोड़ों में दर्द होता है तो उसे अर्थराइटिस या गठिया कहते हैं। इन छोटे छोटे जोड़ों में यूरेट ऑफ सोडियम जमा रहता है और ब्लड में यूरिक एसिड मौजूद रहता है। इस समस्या में उन छोटे छोटे जोड़ों पे दर्द होता रहता है। अर्थराइटिस की समस्या दो तरीके की होती है, एक तो एक्यूट अर्थराइटिस यानी कि नया गठिया, दूसरा क्रोनिक अर्थराइटिस यानी कि पुराना गठिया। ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि यह समस्या आलसी लोगों में ज़्यादा होती है। जिन लोगों को यह समस्या होती है उन्हें हमेशा ही पेट की गड़बड़ी रहती है। कुछ केस में अगर अर्थराइटिस की समस्या माता पिता में है या आपकी फैमिली में किसी को है तो आप में अर्थराइटिस की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी काम को करने का मन बिल्कुल ना करना, सिर जो है वो भारी और ठंडा महसूस होता है, रात के समय या बिस्तर की गर्मी से समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, बदहजमी हो जाती है, इंडाइजेशन रहता है। यही सब सिम्टम्स अर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं। इन सिम्टम्स के साथ बॉडी के सभी जॉइंट में धीरे धीरे अर्थराइटिस की शिकायत हो जाती है। अर्थराइटिस में व्यक्ति के जोड़ों में अचानक तेज दर्द होता है। ज़्यादातर केसों में पैर के अंगूठों में सूजन और लालिमा सी रहती है। जब अर्थराइटिस की समस्या होती है तो हड्डियों के जोड़ों में हल्का हल्का दर्द होता है। हाथ की उंगलियों में, पैर की उंगलियों में, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है और कभी कभी व्यक्ति को बुखार भी आ जाता है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे अर्थराइटिस में यूज़ की जाने वाली कुछ वेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। हमारी सबसे पहली मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस। अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए अर्टिका यूरेंस बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर यूरिक एसिड और यूरिन डिस्चार्ज करने के बाद समस्या जल्दी ठीक हो जाती है तो अर्टिका यूरेंस की 10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर 4-4 घंटे के अंतर से देना चाहिए। इससे पेशेंट को बहुत ही जल्द आराम मिलेगा और यह मेडिसिन इस केस में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हमारी सेकेंड मेडिसिन है कोल्चिकम। अगर पेशेंट को पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, गैस बन रही है, इंडाइजेशन है, पेट में दर्द हो रहा है या पेट साफ नहीं होता है तो कोल्चिकम जरूर यूज़ करें। यह बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इस केस में कोल्चिकम की 30 पावर 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे सुबह दोपहर शाम देने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। हमारी थर्ड मेडिसिन है नेट्रम्यूर। जिन लोगों को ठंड बहुत ज़्यादा महसूस होती है, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे या नहर के किनारे रहने वाले लोगों को अर्थराइटिस के सिम्टम बढ़ जाते हैं, तब उस केस में नेट्रम्यूर की 30 पावर डायरेक्ट टंग पे 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम देने से बहुत ही जल्द आराम मिलता है। हमारी फोर्थ मेडिसिन है एसिड बेंजोइक। जिन व्यक्तियों की हाथ की उंगलियों में गठिया की समस्या हो या अर्थराइटिस की समस्या हो और पेशाब में बहुत ज़्यादा बदबू आती है तो इस केस में एसिड बेंजोइक जरूर यूज़ करें। इसकी 30 पोटेंसी 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे सुबह दोपहर शाम देने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। हमारी फिफ्थ मेडिसिन है लीडम्पाल। अगर किसी व्यक्ति को अर्थराइटिस की समस्या नीचे से ऊपर की ओर फैलती है, उसे ठंड महसूस होती है और उसका मन ऐसा करता है कि बर्फ़ के टब में पैर डाल के बैठा रहूं, रात के समय या बिस्तर में गर्मी के कारण समस्या बढ़ जाती है तो लीडम्पाल बहुत ही अच्छी मेडिसिन है।
इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी डायरेक्ट टंग पे दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम देनी चाहिए। हमारी 6th मेडिसिन है सवाइना। अगर कोई व्यक्ति अर्थराइटिस की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो और उसका दर्द हमेशा ही सर्दी में या ठंडे मौसम में बढ़ता है और जोड़ों का दर्द हाथ के अंगूठे से पैर के अंगूठे तक आता जाता महसूस होता है तो सवाइना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसकी 30 पावर दो दो बूंद डायरेक्ट टंग पे देने से बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। हमारी 7th मेडिसिन है चाइना। अगर अर्थराइटिस का दर्द छूने से बढ़े, पेशेंट बिल्कुल भी अपने जोड़ों को छूने नहीं देता है, जोड़ों में सूजन हो, दर्द हो या जोड़ों पे लालिमा हो, तो चाइना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन की 30 पावर दो दो बूंद डायरेक्ट टंग पे सुबह दोपहर शाम देना चाहिए और यह मेडिसिन इस केस में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा ही आपके लिए होम्योपैथिक से संबंधित जानकारी लाता रहूँगा। थैंक यू।